नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हो। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? तो आज हम बच्चों कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी थोड़ी बातचीत पहले करते हैं, ताकि आपको भी अच्छी तरह से उसका पुनरावर्तन हो जाए। और कई बच्चों ने कई कारण वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उसके कारण आपको भी वीडियो में क्या होगा वह पता चल चुका होगा। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में प्रश्न लिए थे। क्या लिए थे? प्रश्न लिए थे, जिसमें प्रश्न में बच्चों 1 से 12 प्रश्न लिए थे। वह प्रश्न एक एक वाक्य थे। कौन से थे? एक एक वाक्य। उसका उत्तर, शॉर्ट आंसर, एक एक वाक्य में आपको देना है। और बच्चों, इस बार आपको हिंदी में लिखना है, आपको निशानी नहीं करनी है। इसलिए मैंने अगले ही क्लास में आपको समझा दिया था कि आपको हिंदी कीबोर्ड है, वह आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना होगा, ताकि आप भी पेपर में हिंदी लिख सके। अभी हमारी ऐसे 1 की एग्ज़ाम में हिंदी आपको पर्चे में लिखना है, इसलिए आप सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा, कर लिया होगा ना? और आप कई बच्चे तो हिंदी में लिखने की भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली होगी ना। अब हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी हम बातचीत कर ली है ना। और आपको सभी को समझ गए होगे ना। अब हम आगे जाते हैं बच्चों, हिंदी वाक्यों का अनुवाद गुजराती में कीजिए। तो आज हम क्या सीखेंगे? तो आज हम बच्चों, हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य उसका अनुवाद गुजराती में कीजिए। अनुवाद यानी कि हिंदी है, उसे आपको सिर्फ देख कर गुजराती लिखना है। क्या लिखना है? गुजराती। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं जो हिंदी में लिखा हो आप गुजराती में देख के लिखे। लेकिन बच्चों, कई ऐसे शब्द है जिसका गुजराती में अलग अर्थ होता है ना, वह आपको बताओगी। अब हम हिंदी वाक्यों का अनुवाद गुजराती में कीजिए। हम शुरुआत वाक्यों की करते हैं। यहाँ पर बच्चों, पहला प्रश्न मैंने लिया हुआ है। कौन सा प्रश्न लिया हुआ है? पहला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों देखो, पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि शोर मत करो। यहाँ पर क्या लिखा है? शोर मत करो। तो यहाँ पर आपको उसके उत्तर में, यानी कि उसके अनुवाद, भाषांतर, हम गुजराती में भाषांतर कहेंगे, बराबर है ना? और हिंदी में अनुवाद यानी कि जो हिंदी है, हिंदी उसका आपको क्या करना है? उसका गुजराती में आपको लिखना है। क्या लिखना है? गुजराती में आपको
लिखना है। तो बच्चों हम उसके अनुवाद करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला है शोर मत करो। तो कई बच्चे उसका हम परीक्षा में आमतौर पर भाषांतर में क्या होता है, कई बच्चे लिखते हैं शोर मत करो, तो उसके भाषांतर में क्या लिख डालते हैं गुजराती में, शोर मत करो, वह गुजराती में ऐसा ही लिख डालते हैं। लेकिन बच्चों जो शोर शब्द है शोर, उसका गुजराती में आवाज होता है, क्या होता है आवाज, शोर मत करो यानी कि आवाज न करो, उसका अनुवाद क्या होगा आवाज न करो। अब दूसरे अनुवाद की ओर जाते, ढोलक बजाओ। तो यह अनुवाद तो आपको सभी को पता होगा ना। यहां पर लिखा है ढोलक बजाओ। ढोलक को गुजराती में क्या लिखेंगे, ढोल, और बजाओ यानी कि गुजराती में क्या लिखेंगे, वगाड़ो। ढोलक बजाओ तो उसका गुजराती में अनुवाद ढोल वगाड़ो। यहाँ पर बच्चों देखो, पहले अनुवाद में भले शोर मत करो, तो यहाँ पर भले कई बच्चे सोच रहे कि शोर मत यहाँ पर न तो नहीं लिखा, लेकिन बच्चों उसका गुजराती में यही अनुवाद होता है कि आवाज न करो। और दूसरे में ढोलक बजाओ, तो उसका गुजराती में अनुवाद किस प्रकार होगा, ढोल वगाड़ो, किस प्रकार होगा, ढोल वगाड़ो। ढोलक को गुजराती में क्या कहते हैं, ढोल। बजाओ को गुजराती में क्या कहते हैं, वगाड़ो। शोर को गुजराती में क्या कहते हैं, आवाज, क्या कहते हैं, आवाज। मत करो यानी कि इनकार कहने को कर रहे, आपको इनकार ऐसा नहीं करना है, लेकिन मत करो उसका अर्थ होता है न करो, आवाज न करो, शोर मत करो यानी कि उसका अनुवाद आवाज न करो। दूसरा है ढोलक बजाओ, उसका अनुवाद ढोल वगाड़ो। यह दो अनुवाद अच्छी तरह से आपने सीख लिए होगे ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों देखो, दो हमने अनुवाद अच्छी तरह से उसका अनुवाद सीख लिया है ना हिंदी वाक्यों का, उसी तरह तीसरे अनुवाद की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बच्चों कि आम खट्टे हैं। आम किस में आता है बच्चों, सब्जी में या फल में, सोचना है बच्चों, क्योंकि आपको फल सब्जी के भी नाम परीक्षा में पूछे गए हैं ना। तो आम खट्टे हैं। तो आम का बच्चों गुजराती में क्या होगा, केरी, क्या होगा अर्थ, केरी। और खट्टे का गुजराती में अर्थ क्या होगा, खाटी, केरी खाटी छे है, एटले छे। तो आम खट्टे हैं। तो बच्चों
उसका अनुवाद करें तो उसका गुजराती में अनुवाद क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा उसका? केरी खाटी छे। क्या होगा उसका अनुवाद? केरी खाटी छे। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अनुवाद कीजिए, तो उसमें आपको आएगा कि आम खट्टे हैं, तो आप उसका उत्तर क्या लिखोगे? या उत्तर यानी कि अनुवाद क्या लिखोगे? केरी खाटी छे। आपको तीन अनुवाद अच्छी तरह से सीख लिए होगा ना। अब हम चौथे अनुवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आज होली का दिन है, यह वाक्य है, थोड़ा बड़ा है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो वाक्य है वह बड़ा देखकर घबरा जाते हैं और उसे पता नहीं चलता कि क्या लिखूं या क्या नहीं। लेकिन आपको बच्चों सोच समझ कर उसका अनुवाद करना होगा। इसे बच्चों आपको अनुवाद है वह गुजराती में लिखना है। किस में लिखना है? गुजराती में। हिंदी वाक्य दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसे देखकर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा है आज होली का दिन है तो आप गुजराती में लिख डालोगे आज होली का दिन है, ऐसा नहीं है। अमुक क्या होता है कि ऐसे शब्द है जो हिंदी में अलग है और गुजराती में भी अलग है, इसलिए आपको बच्चों सोच समझ कर और शांति से पढ़कर उसका उत्तर देना है। आप अगर परीक्षा के कई दिन पहले रिवीजन करोगे, अच्छी तरह से घर में आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे आशा है कि आपको अनुवाद में दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को हिंदी लिखने में या हिंदी कई बच्चे ऐसे जो उसे गुजराती भी अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता, मुझे पता है ऐसे भी बच्चे, लेकिन बच्चों आप घर पे मेहनत करोगे तो मुझे आशा है कि आपको गुजराती भी पढ़ना आएगा और हिंदी भी पढ़ना आएगा। तो आपको अभी से पढ़ने और लिखने की तैयारी करनी होगी, तभी आपको आप परीक्षा में जो पर्चा है वह पढ़ सकोगे ना। तो हम चौथे अनुवाद की ओर आगे बढ़ते। यहाँ पर लिखा है कि आज होली का दिन है। क्या लिखा है? आज होली का दिन है, तो हम उसे क्या करना है? अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद। तो आज यानी कि गुजराती में आजे, सु क्या लिखना है? आज, तो आजे। होली, तो हमें गुजराती में हो ली, ली नहीं लिखना, ली लिखना है। का, तो गुजराती में नो लिखना है। का लिखा हो तो गुजराती में हमें नो लिखना है। और दिन, कई बच्चे क्या करते हैं कि दिन का गुजराती में उसे पता नहीं होता और गुजराती में भी दिन ही लिख डालते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, मुझे पता है कई बच्चे ऐसी गलतियां करेंगे। लेकिन बच्चों आपने यह वीडियो शांति से देखा होगा, समझा होगा, तो आप ऐसी गलती पेपर में नहीं दोहराओगे ना।
मुझे पता है। तो आजे होड़ी नो दिन को गुजराती में क्या लिखेंगे? दिवस। क्या लिखेंगे? दिवस। नेहे को छे, तो हम किस प्रकार इसका अनुवाद करेंगे? आजे होड़ी नो दिवस छे, आज तो आजे, होली तो गुजराती में होड़ी, का तो गुजराती में नो, दिन तो दिवस, हे तो छे। तो आपने यह दोनों अनुवाद को अच्छी तरह से कर लिया होगा ना। हम एक बार पहले और दूसरे अनुवाद में क्या है उसे एक बार पढ़ते, शोर मत करो। तो गुजराती में क्या कहेंगे? आवाज न करो। उसी प्रकार से दूसरा देखे तो ढोलक बजाओ, ढोल वगाड़ो। तीसरा है आम खट्टे है, तो उसका क्या लिखेंगे? केरी खाटी छे, आज होली का दिन है, तो आजे होली नो दिवस छे। आपने चारों अनुवाद को अच्छी तरह से सीख लिया होगा ना। अब हम आगे बढ़ते, आगे है पांचवा अनुवाद, जिसमें लिखा है कि मुझे लिखना पसंद है। क्या लिखा है? मुझे लिखना पसंद है। तो उसका गुजराती में अनुवाद क्या होगा? मने लखवू गमे छे। हम शब्द के आधारित सीखेंगे यहाँ पर। मुझे यानी कि मने, मुझे को गुजराती में क्या कहेंगे? मने। लिखना यानी कि लखवू। पसंद यानी कि गमे छे। मने लखू गमे छे। अब हम छठे अनुवाद की ओर आगे बढ़ते। यहाँ पर लिखा है कि मीना बगीचे में गई। किसकी बात की गई है? एक लड़की की बात की है। मीना बगीचे में गई, तो उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे? तो उसका अनुवाद है मीना, तो गुजराती में क्या लिखेंगे? मीना ही लिखेंगे। बगीचे, हिंदी में बगीचे, तो गुजराती में क्या लिखेंगे? बगीचा। बगीचा मां गई, क्या लिखेंगे? मीना बगीचा मां गई। अब हम आगे अनुवाद की ओर आगे बढ़ते हैं, सातवें अनुवाद की ओर बढ़ते। सातवें अनुवाद में देखे बच्चों क्या लिखा है? चौकीदार सो गया। क्या लिखा है यहाँ पर? चौकीदार सो गया। तो कई बच्चे हिंदी में चौकीदार है, तो उसका अनुवाद किस प्रकार से हिंदी में जो लिखा है वह गुजराती में लिख डालते? सिर्फ शिरोरेखा यानी कि यह लाइनिंग को शिरोरेखा कहते, वह लाइनिंग नहीं करते, सिर्फ लिख डालते चौकीदार सो गया। अनुवाद इस प्रकार से करते, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको बच्चों गुजराती में अच्छी तरह से अनुवाद करना है, और बच्चों आपको सोच समझ कर अनुवाद करना है। अगर आप बच्चों हिंदी में जो अनुवाद है वही शब्दों में कोई फर्क नहीं करोगे और ऐसे लिख डालोगे, तो आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स
वह कट हो जाएंगे और आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए बच्चों ऐसी कई ऐसी छोटी छोटी बात है जो आपको सोच समझकर लिखनी है। यहाँ पर चौकीदार सो गया, तो आपको उसका अनुवाद किस प्रकार लिखना है? चौकीदार सुई गयो। क्या लिखोगे? चौकीदार सुई गयो। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? चौकीदार सुई गयो। आठवें अनुवाद की ओर जाते, यहाँ पर शुभ काम करो, यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे? शुभ यानी कि सारू। यहाँ पर ऐसे भले लिखा हो लेकिन आपको बच्चों आपको गृह कार्यों में जो लिखने दूंगी उसमें अक्षरों में अमुक ऐसे अक्षर है जो नहीं होते, उसमें गलतियाँ होती, लेकिन मैं आपको जो ग्रुप में फोटो दूंगी उसमें अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पर भले ही ऐसे लिखा हो तो यहाँ पर शुभ यानी कि सारू, काम यानी कि काम करो, ऐसा ही लिखना है। सारू काम करो, चौकीदार सो गया। तो आप गुजराती में क्या लिखोगे? चौकीदार सुई गयो। शुभ काम करो यानी कि सारू काम करो। अब हम अगले भाषांतर की ओर जाते हैं। भाषांतर की ओर हम अनुवाद की ओर बढ़ते हुए हम पहले क्या सीखा उसकी थोड़ी बातचीत करते हैं। पहले मैं सीखा था कि शोर मत करो, तो उसका अनुवाद करें तो क्या होगा? आवाज न करो। दूसरा है ढोलक बजाओ, तो उसका अनुवाद क्या हुआ? ढोल वगाड़ो। आम खट्टे हैं, तो क्या लिखोगे आप? केरी खाटी छे। आज होली का दिन है, तो आप क्या लिखोगे? आजे होली नो दिवस से। मुझे लिखना पसंद है, तो मने लखू गमे छे। मीना बगीचे में गई, मीना बगीचा में गई। चौकीदार सो गया, चौकीदार सोई गयो। शुभ काम करो यानी कि सारू काम करो। अब हम नौवें अनुवाद की ओर आगे बढ़ते। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि रमेश पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है, एक प्रकार की पढ़ने की क्रिया करता है। आपको क्रिया अभी नहीं पूछी जाएगी, जब आपका दूसरे सत्र में आपको क्रिया भी पूछी जाएगी। अभी आपको सिर्फ अनुवाद, प्रश्नों के उत्तर, ऐसा ही परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि रमेश पढ़ता है, तो यहाँ पर जो नाम है रमेश, आप गुजराती में ही रमेश लिखोगे, लिखोगे ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि यह स ऐसे लिखने के बजाय दूसरा स लिख डालते हैं। इसी छोटी छोटी बात के कारण उसके मार्क से वह कट जाते हैं। इसलिए आपको बच्चों जो लिखा है और अनुवाद में क्या करना है वह सोच समझकर आपको अच्छी तरह से लिखना होगा। लिखोगे ना, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर लिखा है कि रमेश पढ़ता है, तो आप क्या लिखोगे गुजराती में? रमेश वाचे छे। क्या लिखोगे? रमेश वाचे छे। अब हम दसवें अनुवाद की ओर आगे पढ़ते। यहाँ पर लिखा है दादी दादी मंदिर जाती है। दादी क्या चाहते? दादी मंदिर जाती है, तो आपको गुजराती में क्या लिखना होगा?
आपको यह अनुवाद तो आता ही होगा ना। कई बच्चे ऐसे है जो उसे हिंदी शब्द दे दो तो वह फटाफट से अनुवाद कर डालते हैं ना, मुझे आशा है। क्योंकि यह बच्चे हर रोज मुझे मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, और घर पर भी वह होमवर्क करते हैं और मुझे होमवर्क हर रोज भेजते, इसलिए इसको पता चलता है। आप भी बच्चों हर रोज का कार्य हर रोज करोगे तो आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना लिखना आएगा और आपको भी अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे आशा है सभी बच्चों से आपको आएंगे ना। 10 में अब अनुवाद की ओर उसका भाषांतर पढ़ते, यहाँ पर दादी, तो गुजराती में दादी लिखोगे, मंदिर तो गुजराती में इस प्रकार मंदिर लिखोगे, जाति तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, जाति तो आप गुजराती में जय छे लिखोगे, क्या लिखोगे, जय छे, दादी मंदिर जय छे लिख। तो आपको बच्चों और 9वां और 10वां अनुवाद है वह अच्छी तरह से आपको याद रह गया होगा ना। रमेश पढ़ता है, रमेश वाचे छे, दादी मंदिर जाती है, तो दादी मंदिर जाय छे। अब हम आगे के अनुवाद की ओर जाते, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मेरा नाम हीना है, यहाँ पर बच्चों रू है, रू इस प्रकार लिखा है, लेकिन बच्चों ऐसी मात्रा की गलती के कारण ऐसा हो गया, इसलिए आपको बच्चों मैं लिखकर भेजूंगी तो उसी प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर लिखा है कि मेरा नाम हीना है, तो यहाँ पर मारू नाम हीना छे, सूचे मारू नाम हीना छे। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि मेरा नाम हीना है तो आप परीक्षा में लिखोगे कि मारू नाम हीना छे, यहाँ पर ऐसे ही भले लिखा हो लेकिन आपको बच्चों गलती है वह सुधारनी होगी। और आखिरी अनुवाद की ओर जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कि खेत में पक्षी है, तो उसका अनुवाद क्या होगा, खेतर माँ पक्षी छे, खेत यानी कि गुजराती माँ खेतर में एटले माँ पक्षी, तो पक्षी खेतर माँ पक्षी छे। बच्चों आपने 1 से 12 है वह अनुवाद अच्छी तरह से सीख लिए होगे ना। हम एक एक बार सभी अनुवाद पढ़ते हैं ना, एक एक बार, चलो अनुवाद एक एक बार हम पढ़ डालते हैं। यहाँ पर लिखा है शोर मत करो, तो उसका गुजराती हुआ आवाज न करो। दूसरा है ढोलक बजाओ, तो उसका गुजराती है ढोल वगाड़ो। तीसरा है आम खट्टे, तो उसका गुजराती हुआ केरी खाटी छे। इसी प्रकार चौथा है आज होली का दिन है, तो उसका गुजराती हुआ आजे होली नो दिवस छे। पांचवा है मुझे लिखना पसंद है, मने लखू गमे छे, मीना बगीचे में गई, तो उसका अनुवाद हुआ मीना बगीचा मा गई। उसी प्रकार सातवां देखे तो चौकीदार सो गया, चौकीदार सोई गए, शुभ काम करो एटले सारू काम करो। रमेश पढ़ता है, रमेश वाचे छे, दादी मंदिर जाती है, दादी मंदिर जाए छे,
मेरा नाम हिना है, मारू नाम हिना छे, खेत में पक्षी है, खेतर मां पक्षी छे। तो बच्चों 1 से 12 है वह अनुवाद अच्छी तरह से आपने सीख लिया होगा ना। यहाँ पर गृह कार्य देखे बच्चों, तो आपको पाकी बुक में यानी कि आपकी 100 पेज की बुक है उसमें नए पेज से, कई बच्चे क्या करते एक पेज में फलों के नाम और आधे पेज में सब्जियों के नाम, ऐसा नहीं करना है। आपको नए पेज से शुरुआत करनी है, बाकी बुक में नए पेज से टाइटल यानी कि यह मैंने जिस प्रकार गृह कार्य का टाइटल दिया है उसी प्रकार आपको लिखना है कि निम्नलिखित दिए गए हिंदी वाक्यों का गुजराती में अनुवाद की थी। टाइटल मार्कर अच्छे अक्षरों में हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद लिखना है। आपको गृह कार्य में 1 से 12 अनुवाद अच्छे अक्षरों में लिखना है, आपका गृह कार्य है। आप क्या करोगे कि एक आपने लिखा है, एक अनुवाद लिखा, तो आपको क्या करना है, एक लाइनिंग है वह छोड़कर, एक लाइन छोड़कर दूसरे की शुरुआत करनी, ऐसा लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से पढ़ने में सरल होगा। आप अगर पूरा लिख डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अच्छे अक्षरों में ऐसे लाइनिंग छोड़ कर लिखोगे तो आपने लिखने में बहुत मजा आएगा। तो आज हमने हिंदी वाक्यों का गुजराती में अनुवाद सीखा, तो मुझे आशा है बच्चों कि आपने अच्छी तरह से जो मेरा वीडियो है इसमें हिंदी वाक्यों का अनुवाद है अच्छी तरह से सीख लिया होगा ना। तो आपको कोई भी मुश्किली हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। तो सभी बच्चों का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती